समंदर कुदरत का एक अनमोल तोहफा, सदियों से इंसानों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में बेशुमार खिदमात अंजाम दे रहा है। समंदरों के किनारे साहिल जो रोके ना सिर्फ मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि मुल्क की माशी तरक्की में भी मददगार साबित होते हैं। पाकिस्तान भी उन चंद ममालिक में से, खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जिन्हें कुदरत ने इस गरा कदर नेमत से नवाजा है। बोरे अरब के साहिल ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इस खत्ते की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बोरे अरब के किनारे कराची, गवादर और गडानी के साहिल ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी तजारती सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है। गडानी पूरी दुनिया में जहाज़ों के तोड़ने की सनत के तौर पे जाना जाता है, लेकिन पिछले चंद सालों से यह सनत एक बहरान का शिकार है। यह बहरान क्या है, इस बहरान की वजूहात क्या हैं, इस बहरान का जिम्मेदार कौन है, इस पे किन कौन कौन लोग असरअंदाज हुए हैं और इस बहरान को हल कैसे किया जा सकता है, इस सनत का मुस्तकबिल क्या है और इस सनत से वाबस्ता लोगों के क्या एहसास हैं, हमारी हुकूमत इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रही है, ये सब कुछ जानने के लिए आज मैं गडानी के डॉक नंबर 48 पर अपनी टीम के हमरा, इसमें मैं मोहम्मद ताहिर जलाल, फैसल और राफीउल्ला खान और परवेज हाशिम और हमारे पांचवे मेंबर मोहसिन हसन जो कि कैमरामैन के फराइज़ भी अंजाम दे रहे हैं के साथ मौजूद हूँ। इस सिलसिले में मजीद क्या करने वाले हैं ये आपको परवेज हाशिम बताएं। जी परवेज भाई, जैसा कि ताहिर साहब ने बताया कि हम इस वक्त डॉक नंबर 48 में मौजूद हैं गिडानी के, हम इसके सिलसिले में अब जा रहे हैं मजदूरों के पास उनसे कुछ सवाल करने के लिए। आइए। शुरू आइए, हम एक मजदूर साथी से यहाँ पे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सनद के बारे में क्या क्या नाम है। मोहम्मद अमीन खान। मोहम्मद अमीन खान कितने अर्से से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इधर साल हो गया। साल हो गया, इससे पहले क्या करते रहे? अच्छा, तो एक साल में आपने क्या देखा यहाँ पे, कैसा काम हो रहा है? एक महीना हो गया इधर। इधर एक महीना हो गया। तो आप लोग क्या दिहाड़ी पे होते हैं या महीने की तनख्वाह है? कोई मसले मसाइल हैं आप लोगों को यहाँ पे काम करने के वाले? कोई मुश्किल है आप? कुछ नहीं, मसाला कुछ नहीं, काम अच्छा है। काम अच्छा है, चलो बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया सर। इस सिलसिले में हमने लेबर यूनियन के सदर इलियास से आपसे रابطہ किया। उनका कहना था कि पहले यहाँ तकरीबन कम से कम 30 से 35,000 लोग काम करते थे और अभी कितने कर रहे हैं, शुमार भी करें तो आपको कोई 2,000 नहीं मिले। मजदूरों की तादाद में कमी की वजूहात बताते हुए उन्होंने कहा कि वजूहात तो यही थी ना, मैंने आपको कहा कि ये लोग मतलब ये माल महंगा उस हिसाब में ये यहाँ से निकलता नहीं था, ये दोपहर से माल आता था या ये रूस की रियासतों से वो पाए पाते थे भाई, तो वो उन लोगों को सस्ता पड़ता था लाहौर की बात थी। तो फिर उसके अलावा यहाँ टैक्सेस ज़्यादा थे, उस हिसाब में अगर मालिक है अगर यहाँ कोई जहाज़ खरीद के काटता था तो उसमें बिल्कुल लॉस होता था, तो मुनाफा नहीं। उनका कहना था कि ख़रीदार शिप ब्रेकिंग से हासिल होने वाले मजबूत लोहे के बजाय सस्ते और नाकिस लोहे को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में आए दिन फ्लाईओवर्स के गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। इस सनत के मुस्तकबिल के बारे में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उन्हें हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं और एक दिन ये सनत दोबारा बहाल हो जाएगी।